गुज़श्ता 35 बरसों के दौरान पन बिजली के मंसूबों की बजाय थर्मल पावर प्लांट्स को फरोग दिया गया, जिसका नतीजा आज इंतहाई नायाब बिजली की सूरत में आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साबिक इंजीनियर आरिफ कमर खान ने महंगी और नायाब बिजली का हल हाइड्रो पावर टर्बाइन तैयार करके निकाल लिया है। 16 किलोवाट सलाहियत के हामिल टर्बाइन के जरिए 8 एयर कंडीशनर्स या 160 पंखे बैक वक्त चलाए जा सकते हैं। एक कस्बे को बिजली सप्लाई कर सकता है, तो ये लगाना आसान है, यानी इंडिविजुअल एफर्ट्स हो जाता है। यहाँ तो सब लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई मशीन लाएं लगाएं, वो जनरेटर ये वो, चाहे रेंट पे हो चाहे जो कुछ भी हो। मिनी हाइड्रो टर्बाइन की तैयारी इंतहाई कम लागत में रावलपिंडी में की गई है। आरिफ कमर खान का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके बिजली बचत मुहिम चलाई जा रही है, जबकि जरूरत इस अमर की है कि मुल्क को बिजली के बहरान से निकालने के लिए पैदावारी मुहिम चलाई जाए। जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मैं इल्तिजा करता हूँ कि वो बिजली बनाने की तरफ कोशिश करे बजाय बिजली बचाने और मशीनें बाहर से इम्पोर्ट करने की तरफ। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने बाहर से मंगाई हो, और ये एक मेरी तमन्ना और हसरत और आरजू है कि हम अपने मुल्क में करके दिखाएं इसको। माहिरीन का कहना है कि कुदरत ने पाकिस्तान को 50,000 मेगावाट पन बिजली पैदा करने की सलाहियत से नवाज रखा है। अगर हुकूमत मिनी हाइड्रो पावर टर्बाइन के इस्तेमाल को फरोग दे तो सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन बनाकर बहरान पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन अनिल अहमद के साथ सुहेल इकबाल भट्टी, समा, इस्लामाबाद।